जय गुरुमंजन। बच्चा आगे लग रहा है कुटिया दिखाई दे रही है, वहाँ पे चलते हैं, विश्राम करते हैं। बच्चा चलो गुरुदेव। बच्चा चलते हैं, विश्राम करते हैं, सामने कुटिया दिख रही है, चलो विश्राम करते हैं। बच्चा चलो गुरुदेव, चलो। धन्य हो अहो भाग्य तुम्हारे जो आपकी कुटिया में पधारे। एक समाधान कर दो। क्या है बच्चा तुम्हारा समाधान? ओह नो, बच्चे नहीं हो रहे हैं, 10-12 साल हो गए हैं। तुम्हारे माथे पे संकट की लकीरें दिखाई दे रही हैं बेटा। कैसे? उसका समाधान तो हो जाएगा, लेकिन भाई बहुत तकलीफें झेलनी पड़ेंगी आपको। बताओ तकलीफ झेल लेंगे। तो बच्चा समाधान ये है, जो आपको बताएंगे वही करना पड़ेगा बच्चा। समाधान ये है बच्चा। हाँ बाबा। आपकी पत्नी को 16 सोमवार का व्रत रखना होगा। हाँ। और उसके बाद अगले जो सावन आएगा, हाँ, उसमें आपको पूरे सावन भर व्रत रखना पड़ेगा शंकर जी का। हाँ। और जितने भी सावन के सोमवार पड़ेंगे, हाँ, वो सारे सोमवार को आपको मंदिर पे जाके डाली चढ़ानी होगी बच्चा। हाँ, हाँ। तब जाके आपको अच्छा फल मिलेगा। हाँ बाबा। और इतना करोगे जरूर आपको फल मिलेगा, बच्चा जरूर होगा आपका। बाबा करिए। अच्छा बाबा, हम चल रहे हैं। चलो बच्चा, आपका भला हो। दादाजी अभी को हाथ देखिए। हाथ नहीं देखते बच्चा, इसकी माथे की लकीर पढ़ के बता सकते हैं इसका भाग्य क्या चमकने वाला है, क्या होने वाला है इसके साथ में। तो माथे की लकीरें भी देख के बताई दो। माथे की लकीर ये कह रही है बच्चा, इसका जो है 2 साल के अंदर एक सुंदर कन्या इसको मिलेगी। नो, 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 और इसकी शादी होके रहेगी, बढ़िया से शादी होगी बच्चा। बाबा जी बढ़िया से ना शादी तो बहुत आए बाबा, और बहुत चले गए, और बढ़िया शादी कोई ना करवाए। तो बच्चा ढोंगी बाबा समझ रखा है मुझको। अरे बाबा जी डरावत का है बच्चा, ढोंगी नहीं है बाबा, ये समझ लेना, जो कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होके रहती है बच्चा। बाबा जी का करे, बहुत परेशान है, यही के चक्कर मैया बहुत एकदम देखती है, दोबारा उठता ही नहीं। बाबा जी तो वही का ताबीज ही नहीं देते हो कोई। इसका समाधान मेरा चेला करेगा। तो भैया चेला करिए, कोई समाधान हम फूक डालेंगे। ओम तारा झटफट हो जाएगी का शादी। हाँ हो जाएगी, तो जाए हम लोग। आ जाओ हो जाए शादी, बहुत परेशान हुई गए हम लोग हैं।